जहां प्रेस वार्ता के बीच आकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल यह मामला ऐसा है कि प्रेस वार्ता के दौरान सलेमपुर ओवरब्रिज पर हुई लूट का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के प्रेस वार्ता में 3 अपराधियों का नाम सामने लाया गया। इसमें एक अपराधी रिंकू सिंह के भाई ने अपने भाई को गलत फंसाने व सलेमपुर कोतवाली के प्रभारी शशिकांत पांडे पर अपने ही गांव के बड़े अपराधी सतीश सिंह से मिले होने का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाया। पेश है हमारे देवरिया के संवाददाता इसराफिल मंसूरी की खास रिपोर्ट। कई लूट की घटनाओं में शामिल थे, इनका जो गिरोह है वो लूट और हत्या की घटनाओं में शामिल रहा है। रात में पुलिस में इनके कब्जे से एक स्विफ्ट गाड़ी, 315 बोर का एक तमंचा, कारतूस और सलेमपुर में 10 अप्रैल को जो लूट की घटना हुई थी पेट्रोल पंप व्यवसायी से 5 लाख की, उस लूट के पैसे में से 10,500 एक के पास से मिला है, 4,000 एक के पास मिला है। ये लूट में जो सूचना देने वाले थे वो 2 गिरफ्तार हुए, सीधे जो लूट में शामिल था वो गिरफ्तार हुआ। एक पेट्रोल पंप पर खड़ा होकर सूचना दे रहा था कि पैसा ले जा रहा था, इनके पास रिकवरी हुई है। 3 बदमाश भाग गए हैं। इनके द्वारा पुरवा चौराहे पर 3 लाख की लूट, पैना में मर्डर की घटना का खुलासा किया गया, बताया गया किस कौन कौन थे उसमें अपराधी, मऊ में स्वर्ण व्यवसायी की लूट करके हत्या हुई थी उस घटना का खुलासा किया गया है। स्विफ्ट बरामद हुई है इनके कब्जे से। सलेमपुर की एक लूट हुई है, इसके अलावा मईल में बरठा चौराहे पर एक मोटरसाइकिल इन्होंने लूटा था, उसकी कुल 6 घटनाओं का खुलासा इनकी गिरफ्तारी से हुआ है, जिसमें कुछ में ये लोग शामिल थे, कुछ में इनके साथी शामिल थे। इनका साथी राम आश्रय यादव काफ़ी बड़ा अपराधी है, बहुत सी संगीन घटनाएँ उसके केस उसके ऊपर दर्ज है, उसमें कस्टडी से फरार है वो। उसके 2 साथी भी थे दबिश के दौरान, लेकिन वो सब फरार होने में सफल रहे, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। टोटल 3 लोग ही गिरफ्तार हुए, उनके साथ बस 10,000 और 4,000 रुपये बरामद हुए थे, और भी एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं। इनके जो गिरोह के बड़े लोग थे वो गिरफ्तार नहीं हुए, इनके जो बता रहे हैं कि वो ज़्यादा हिस्सा वो ले लेता है जी। वैसे सलेमपुर की लूट में रविंद्र बता रहा है इसको 50,000 रुपये मिला था, इसने कुछ घर पे पैसा दे दिया, कुछ का जूता कपड़ा खरीद लिया, कुछ पैसे बचे थे जो बरामद। इन लोगों से आगे और भी घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है क्या? अभी तो जो पूछ रहा तो इन्होंने बताना तो बता दिया, हो सकता है इनके पेट में कुछ और बात हो, लेकिन अब बताया नहीं। 6 घटनाओं का इन्होंने बताया, जानकारी दिया, कुछ में ये शामिल थे कुछ में नहीं शामिल थे। जैसे पुरवा वाली में ये सोनू शामिल था और बाकी 2 अन्य थे, ये बाकी दोनों ही शामिल थे सोनू इसमें। पुरवा वाली में सलेमपुर वाली में ये तीनों सलेमपुर वाली में शामिल हैं, लेकिन इनमें से जो 2 हैं वो अन्य घटनाओं में नहीं शामिल थे, और सोनू बता रहा है कि पुरवा वाली लूट में शामिल। और यह जो रविंद्र यादव है ये रामाश्रय के पटीदारी का है, उसका भतीजा लगता है।